अरहन्तानवानम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं नमो आयरियानम् ॐ ह्रीं नमो वच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूनम् एषो पञ्च नमःकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशिं पढमं भवै मङ्गलम्। समरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो और ओके, दो मिनट में है। चलिए, आज हम प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हाँ समझ गई। ओके, चलिए, तो ये दूसरा चैप्टर है प्रज्ञापना सूत्र का और इस चैप्टर का नाम है स्थान पद कर। स्थान का मतलब है ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ वेरियस लिविंग बीइंग्स। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका एक पर्टिकुलर प्लेस भी है और कुछ जीवों का ऐसा है कि वो विश्व में सर्वत्र पाए जाते हैं, पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं देखने को। इसलिए आगमों में इस विषय पर भी काफी गहरा विचार किया गया है, कौन से जीव सृष्टि में किस भाग में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस रूप में पाए जाते हैं, तो इसकी चर्चा आगमों में बहुत विस्तार से देखने को मिलती है। और विशेष रूप से प्रज्ञापना का यह दूसरा पद में आप देखेंगे कि सभी प्रकार के जीवों के स्थान निश्चित स्थान बताए गए हैं और वो स्थान बताने के पीछे के तीन तरीके हैं कि जीवों इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सारे यूनिवर्स में कहाँ और किस रूप में पाए जाते हैं, तो वो तीन दृष्टियों से उस पर विचार किया गया है। सबसे पहला है कि स्वस्थान की अपेक्षा से। स्वस्थान का मतलब है कि जहाँ वो पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म से मृत्यु तक जहाँ रहते हैं उस स्थान को स्वस्थान कहा गया है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन। दूसरा है उपपात स्थान कहा गया। उपपात स्थान का मतलब है कि जीव मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो सृष्टि में एक अपने एक बर्थ प्लेस से दूसरे बर्थ प्लेस पर जब जाता है तो बीच का जो पैसेज है, मार्ग है जाने का, जिसे अंतराल गति, हम जैन धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत अंतराल गति के रूप में जिसकी चर्चा करते हैं, तो जीव जब एक गति से दूसरे गति यानी एक बर्थ प्लेस से दूसरे बर्थ प्लेस में या एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय
वो रास्ते में कहाँ से गुजरता है और कितना पैसेज कवर, कितना स्पेस कवर करता है, तो उस पर भी काफी विचार किया गया है कि जीव की गति किस तरह से होती है और वो किस तरह से स्पेस कवर करता है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है समुद्घात, समुद्घात स्थान। समुद्घात का मतलब है जिसे हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आत्मा जहां भी जन्म ले रही है वहां पर भी पर्टिकुलर कंडीशन में अपने शरीर को छोड़ करके कुछ दूसरे स्पेस में भी स्प्रेड कर जाती है, तो उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन की थियोरी के रूप में काफी कुछ डिस्कस किया जाता है साइंस के फील्ड में, पैरासाइकोलॉजी के फील्ड में, और बहुत सारे इंटरनेट पर आपको वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिससे कि आपको पता चले कि शरीर में रहते हुए भी जीव आत्म जो प्रदेश है या आत्म तत्व है वो शरीर से बाहर भी फैलता है, स्प्रेड करता है और बहुत दूर तक भी चला जाता है। तो कहाँ तक जाता है, किस रूप में जाता है, इसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, स्वस्थान, उपपात स्थान और समुद्घात स्थान। ये तीनों कंसेप्ट स्पष्ट हो गए हैं कि जीव किस तरह से इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है और किस कहाँ कहाँ वो जाता आता है या किस तरह से वो स्पेस कवर करता है जब इधर उधर जाता आता है। जी ये तो क्लियर है, हाँ? ये क्लियर है, आपने जो बताया, आपने पूछा ना ये क्लियर है या नहीं, तो मैं हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, वो मैं तो थोड़ा स्लाइड स्टक हो गई थी इसलिए मैं कर। चलिए तो हम ये देखेंगे कि पहले थोड़ा सा समुद्घात का कंसेप्ट भी समझ ले, और ये समुद्घात का जो कंसेप्ट जैन आगमों में और विशेष रूप से प्रज्ञापना सूत्र में डिस्कस किया गया है और कई अन्य आगमों में भी आपको मिल जाएगा आराम से, पर यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रज्ञापना सूत्र में समुद्घात को समझाने के लिए बताया गया है कि आत्मा शरीर से बाहर निकलती है किंतु साथ में उसका कनेक्शन भी रहता है, वो जहाँ कहीं ट्रेवल करे परंतु वो कनेक्टेड रहती है मूल बॉडी के साथ में। तो ये हमें समुद्घात के संदर्भ में विशेष समझना है। मृत्यु के समय तो शरीर को छोड़ करके निकल जाती है, तो उस शरीर का पूर्व शरीर के साथ के उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है, बट यहाँ पर जब समुद्घात की प्रक्रिया होती है जिसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रोसेस होती है, बॉडी से आत्मा बाहर निकलती है और पर्टिकुलर कंडीशन में वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बाहर रहती है और फिर वापस रिटर्न होती है उसी बॉडी में, और जब वो बाहर निकलती है तो उसका कनेक्शन अपनी मूल बॉडी के साथ रहता है, वो पूरी तरह से शरीर को छोड़ती नहीं है। सो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन में हम देखेंगे जिसको कि हम समुद्घात की प्रक्रिया कहते हैं जैन धर्म में, उसमें सात प्रकार के समुद्घात माने गए हैं, वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और केवले समुद्घात। तो ये अब हम समझेंगे कि वेदना एक एक समुद्घात को, कि वेदना समुद्घात यानी जिस समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है और इनटॉलरेबल है, तो उस कंडीशन में आत्मा प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं जब तक कि पेन आपका रिलीफ नहीं होता है, और थोड़े समय के लिए बाहर रह करके वापस भीतर रिटर्न कर जाती है। तो ऑपरेशन के टाइम में अगर आपने कुछ ऐसे केसेस भी सुने होंगे और मिल भी जाएंगे आपको, पैरासाइकोलॉजी में इस तरह की स्टडीज भी मिलती है कि जब ऑपरेशन थिएटर में किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है तो कभी कभी आत्मा उसकी आत्मा बाहर निकल करके ऑपरेशन जो कुछ हो रहा है उसको देखती रहती है, और सपोज किसी कारण से बाय मिस्टेक डॉक्टर के द्वारा कोई इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर छूट जाता है तो वो इंडिकेट कर देती है कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट इस बॉडी के इस पार्ट में छोड़ दिया है। सो ये वेदना के समय होता है स्पेशली जब उसका उसके अंदर सीवियर पेन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आत्मा शरीर से बाहर निकल करके उसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं जा गई है, वहीं से वो ऊपर अलग होकर के देखती रहती है। कषाय समुद्घात, कषाय यानी क्रोध आदि, जब एग्रेसिव मूड बहुत ज्यादा होता है मनुष्य का, बहुत अधिक तीव्र क्रोध जिसे कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध,
या अप्रत्याख्यानी क्रोध, जिसमें तीव्रतम क्रोध की स्थिति होती है, तो बॉडी के अंदर जो इमोशनल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है उस इमोशन एग्रेशन के कारण से, कि आत्मा प्रदेश आत्मा जो है शरीर को छोड़ करके बाहर निकल आती है, बट पूरी तरह से नहीं छोड़ती, ये आपको समुद्रघात में पूरी तरह से ध्यान रखना है। सो ये शरीर से बाहर जब निकलती है और जैसे ही अंदर का जो इमोशनल प्रेशर कम होता है तो वो वापस रिटर्न हो जाती है। मारणांतिक समुद्घात, जब किसी व्यक्ति की डेथ होनी है और अभी पूरी तरह से उसका टाइम लास्ट मोमेंट नहीं आया है बॉडी को छोड़ने का, किंतु कभी कभी किसी किसी के केस में ऐसा होता है कि वो जहां उसको नेक्स्ट में जन्म लेना है वहां तक वो ट्रेवल करके आता है और ये देख लेता है कि उसका जन्म स्वर्ग में हो रहा होने जा रहा है या नरक में होने जा रहा है या किसी अन्य रूप में होने जा रहा है, तो उसे पता चल जाता है उसका कि मेरी डेथ होने के बाद में मेरा अगला जन्म कहाँ पर होने वाला है। सो ये मारणांतिक समुद्घात होता है जो मरण के समय होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट कुछ फ्यू मोमेंट्स बाकी होते हैं उसी में वो ट्रेवल करके आ जाता है, वापस रिटर्न हो जाता है बॉडी में और फिर लास्ट मोमेंट के टाइम पूरी बॉडी को छोड़ करके निकलता है। विक्रिय समुद्घात, विक्रिय समुद्घात का मतलब है कि अनेक दूसरे रूप बना लेना। तो आप देख रहे हैं कि एक देव है वो कभी किसी मनुष्य के सामने जब प्रकट होता है तो अपने मूल स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वरूप आप आम व्यक्ति से देख नहीं सकता है, उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा नूर यानी प्रकाश होता है, तेज होता है कि आम व्यक्ति की आंखें चुंधिया जाती है इससे। सो देवता हमेशा एक सामान्य रूप में, आप या तो किसी का हेल्प करना है तो कुछ सामान्य रूप बना करके आ जाते हैं, कभी कभी कोई ब्राह्मण का रूप बना लिया तो सपोज देवता की अपनी हाइट तो इतनी थी, उन्होंने अपनी हाइट को इतना छोटा कर लिया, या कभी मान लीजिए कि कोई ऐसा देव है जिसे दानव कहते हैं यानी मिथ्यात्वी देव होते हैं या इस तरह के व्यंतर देव वगैरह होते हैं, तो ये कुछ अपना विशेष बड़ा रूप भी बना लेते हैं, भयंकर रूप भी बना लेते हैं, और मनुष्य को जिससे इनको बदला लेना होता है उसके सामने इस तरह से भयंकर रूप में प्रकट होते हैं। सो ये जो बड़ा रूप बना लिया या छोटा रूप बना लिया तो इसको वैक्रिय, ये नया रूप जो बनाया है इसकी इसकी हाइट भी ज्यादा है और विड्थ लेंथ सब कुछ ज्यादा है, तो आत्मा को उतनी बॉडी के अंदर स्प्रेड करना होता है। सो ये वैक्रिय समुद्घात कहलाता है, जिसमें जीव नया रूप धारण कर लेता है और कभी कभी वो रूप बहुत बड़ा होता है उसके अपने ओरिजिनल रूप से या बहुत छोटा होता है। आहारक समुद्घात, आहारक समुद्घात का जैसा कि सभी जानते हैं कि जैन धर्म में शरीर के जो पांच प्रकार माने गए उसमें एक आहारक शरीर माना गया है, और ये शरीर तब क्रिएट किया जाता है जब किसी 14 पूर्वधर को केवल ज्ञानी से कोई कम्युनिकेशन करना होता है। सपोज भगवान महावीर जब थे तो उनके उपस्थिति में बहुत सारे उनके साधु जो केवल आहार लब्धि के धारक थे यानी 14 पूर्व के ज्ञानी थे, तो वो अपने शरीर को, उनको कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर पाना होता और सपोज महावीर भगवान महावीर उनके पास में नजदीक में नहीं है तो वो अपने आंसर को लेने के लिए या अपना क्वेश्चन उनको भेजने के लिए इस शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये शरीर बिल्कुल बहुत छोटा होता है, एक हाथ का होता है यानी अपना कोहनी जितना हाथ का एक साइज का होता है और बहुत फाइन पुतगलों का बना हुआ होता है और योगी ही इसको देख पाता है, अन्य किसी को पता नहीं चलता है। तो वो अपनी शरीर से इस बॉडी का निर्माण करते हैं और इसको भेजते हैं और अपना प्रश्न का उत्तर कैवली से इस बॉडी के थ्रू प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आहारक शरीर कहलाता है और इस शरीर को जब भेजा जाता है तो इसमें भी वही आत्मा है जो योगी की है, जो साधु की है, 14 पूर्वधर की है, वही इस बॉडी के माध्यम से वहाँ कम्युनिकेट तीर्थंकर से मिलती है और कम्युनिकेट करती है, अपने प्रश्न को पूछती है और उसका आंसर लेके आती है। तो ये बॉडी उसमें हेल्प करती है उनको। सो आत्मा प्रदेशों का इसके माध्यम से भी बाहर जाना होता है। लास्ट है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात यानी केवल ज्ञानी जब कभी लगता है कि उनका अपनी आयु तो कम है और कर्म वेदनीय कर्म और अन्य जो कर्म है वो ज्यादा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए ये वेदनीय समुद्घात किया जाता है और उसमें केवल ज्ञानी की आत्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइट नीचे और ये सब आपको लाइट दिखना है,
तो ये आत्मा का प्रक्षेपण हो रहा है, पूरी पूरी यूनिवर्स के अंदर प्रक्षेपण हो रहा है, उसका प्रोजेक्शन हो रहा है। सो ये पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है और जितने कर्म एक्स्ट्रा हैं उनको एक तरह से शेड कर देती है, उसको अलग कर देती है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो जितने उनके आयु है उसके हिसाब से फिर कर्म रह जाते हैं, और उस जैसे ही आयु समाप्त होती है वैसे ही वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये केवल ज्ञानी की प्रोसेस में बताया जाता है कि 8 मोमेंट्स लगते हैं, टोटल 8 मोमेंट्स लगते हैं। फर्स्ट मोमेंट में वो अपनी आत्मा को इस तरह से संपूर्ण लोक के लंबा हाइट के हिसाब से इतना बड़ा लंबा डंडे के रूप में अपनी आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं सबसे पहले। तो इसको कहते हैं दंडाकार आत्म प्रदेशों का प्रक्षेपण होता है। दूसरे में वो आत्म प्रदेशों को 2 दिशाओं में फैलाते हैं, उत्तर और दक्षिण सपोज, तो ये कपाटाकार कहलाता है आत्म प्रदेश। ये दंडाकार से फिर ये इस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में फैलते हैं, तो इसको कपाटाकार कहा जाता है। तीसरे में जो है वो कहीं कहीं ये भी है कि वो एक ही साथ मतलब चारों दिशाओं में एक तरह से दरवाजे की माफिक फैला देती है, और बाकी जो कोने रह जाते हैं उनमें ये तीसरे टाइम में फैलाती है, और एक तरह से चौथे टाइम में पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। कहीं भी कोई भी ऐसा कोना यूनिवर्स का नहीं रहता है जहां आत्मा का प्रदेश नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा असंख्य प्रदेशी है, यानी संपूर्ण विश्व के जितने प्रदेश हैं असंख्य प्रदेश, उतने प्रदेशों में आत्मा को स्प्रेड करने का, एक्सपांड करने का उसमें पावर होती है, और उस चूंकि उसके भी उतने ही प्रदेश है तो वो पूरे यूनिवर्स को कवर कर लेती है केवली समुद्घात की प्रोसेस में। वापस वो लौटती है तो फिर ये जो कोने हैं उस कोने से अपने आत्म प्रदेशों को कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर कपाटाकार में ले आती है, फिर दंडाकार में ले आती है, और अंत में अपने शरीर में स्थित हो जाती है। तो ये मैंने आपसे बताया कि समुद्घात में किस तरह से आत्मा का बाहर निकलना, बॉडी से बाहर निकलना होता है, जैसे आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। तो जनरली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को लोग जानते नहीं कि किस किस रूप में होता है, बट ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन से हमें पता चलता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है 7 प्रकार से हो सकता है और 7 कंडीशन में हो सकता है। सो ये समुद्घात कहलाता है। तो इस समुद्घात में आप देखेंगे कि जीव किस तरह से समुद्घात प्रक्रिया से कहाँ कहाँ तक ट्रेवल करते रहते हैं, कहाँ तक स्प्रेड होते हैं। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको समुद्घात का कंसेप्ट बताया, और उपपात प्रक्रिया तो सभी को वैसे पता है कि उपपात में क्या होता है, यानी जीव जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो उसकी 2 तरह से गति होती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता है या फिर वो टर्न लेते हुए चलता है। तो जो स्ट्रेट लाइन में अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचता है उसे ऋजुगति कहा जाता है, और यदि उसे टर्न लेकर के अपने नेक्स्ट बर्थ प्लेस पर पहुंचना होता है तो उसे वक्र गति कहते हैं, या कभी कभी कोई विग्रह गति शब्द भी मिलता है। सो वक्र गति और ऋजु गति, ये 2 गति से जीव चलता है जब डेथ के बाद में नेक्स्ट से बर्थ प्लेस पर पहुंचना होता है। तो उस प्रक्रिया में वो कितना पैसेज कवर करता है ये उसकी बर्थ प्लेस पर डिपेंड करता है, कि किसी का मान लीजिए कि इसी मनुष्य के रूप में उसकी डेथ हुई और मनुष्य के रूप में उसी गांव में उसका जन्म हो गया, तो वो ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगा। वो बस मान लीजिए कि एक घर में उसका डेथ होती है, दूसरे घर में उसका जन्म होता है, तो उतना सही पैसेज उसको कवर करना है। और किसी का अगर मान लीजिए कि जन्म डेथ तो हुई इंडिया में और जन्म अमेरिका में हो गया, तो वो उतना ट्रेवल करेगा। किसी का जन्म अगर नरक में हो गया तो वो नरक की दूरी जितनी है उसकी वहां उतना ट्रेवल करेगा। किसी का किसी स्वर्ग में जन्म हुआ, देवलोकों में जन्म हुआ, तो वो वहां तक ट्रेवल करेगा। सो ट्रेवल करने का जो पाथ है उसका, वो उस डिपेंड करेगा कि उसका नेक्स्ट बर्थ प्लेस कहाँ है और उसको पहुंचने में कितना स्पेस कवर करना है। तो यहाँ पर जस्ट आपको बता रहे कि प्रज्ञापना सूत्र में सभी जीवों के संदर्भ में इन 3 दृष्टियों से विचार किया गया है कि वो जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं और जन्म से मृत्यु तक कहाँ कहाँ रहते हैं, प्लस वो जब समुद्घात करते हैं तो वो किस तरह से समुद्घात की स्थिति में वो यूनिवर्स में कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं, और यदि वो डेथ के बाद में अपने बर्थ प्लेस पर जा रहे हैं तो उसे उपपात प्रक्रिया कहते हैं, तो उपपात की प्रोसेस में वो किस तरह से ट्रेवल करते हैं।
तो ये बात इन सभी प्रसंगों में यहाँ बताई गई है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का एक जीव के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वाटर बॉडी कह दिया है, बट ये जितने भी पृथ्वी का के ये अभी अब पानी की हम बात कर रहे हैं कि द ग्रोस वाटर बॉडी लिविंग बींग्स आर फाउंड इन ऑल द सेवन घनोदधीस एंड घनोदधि वलयास। पानी के जितने भी जीव होते हैं ये विशेष रूप से नरक में, आप ये देख रहे हैं ये नरक है, सेवन नरक से हैं और इसमें ये वलय है तीन नरक यहाँ पर है सपोज, तो ये नरक है तो इसके नीचे एक घनोदधि यानी जमा हुआ पानी है और उसके नीचे पतली एक मोटी वायु जमी हुई वायु है, उसके नीचे पतली वायु है और उसके नीचे स्पेस है, तो ऐसी कंडीशन ये सभी नरक के बीच में है और ये सारी नरक भी इन तीनों तीनों लेयर से ढकी हुई भी है चारों तरफ से, तो जो नीचे है उनके नीचे जो परत जमी हुई है उसको तो घनोदधि कहा गया है और उसके चारों ओर जो वो कवर वलय बने हुए हैं स्फीयर्स बने हुए हैं पानी के और हवा के तो उसको घनोदधि वलय कहा गया है। तो पानी से जो जुड़े हुए जीव हैं वो कहा गया है कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इन लोअर यूनिवर्स द पातालास बिल्डिंग ऑफ द भवनपति गॉड्स एंड इंटर स्पेसेस इन बिटवीन द बिल्डिंग्स, इन अपर यूनिवर्स दे आर फाउंड इन 12 विमानस। तो ये नीचे के जो नरक है नरक में भवनपति देव ये जो बीच का स्पेस है इसमें स्पेशली जो रत्नप्रभा नरक है इस नरक में नीचे नरक के प्राणी है किंतु बीच में भवनपति देवों के स्थान बने हुए हैं, तो उन विमानों में भी उन स्थानों में भी जो उनके कुएं हैं बावड़ियां हैं, बावड़ियां शब्द ज्यादा उपयोग किया है, बावड़ी एक प्रकार से कुएं जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो जीव पानी के जो जीव है वो एक तरह से जल का एक जीव कहलाते हैं। इसी तरह से विमानों में भी बावड़ियां हैं, स्वर्गों में भी विशेष रूप से 12 देवलोक तक जो स्वर्ग बने हुए हैं उनके अंदर भी इस तरह की कुछ बावड़ियां हैं जिसमें कि पानी रहता है। सो ऊर्ध्वलोक में भी वो 12 विमान तक आपको देखने को मिल सकता है। मिडल जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी पानी के प्लेसेस हैं जहां जहां पानी जिस जिस रूप में पाया जाता है वो सारे स्थान को आपको काउंट कर लेना है, तो ये उनके कह लेते हैं स्वस्थान कहलाते हैं। और बाद में कहा जाता है कि वो जब जन्म कहीं किस उपपात प्रक्रिया से कहीं जाते हैं तो वो उनके डिपेंड करता है कि उनका बर्थ कहाँ पर हो रहा है किस रूप में हो रहा है, तो उस हिसाब से उनकी गति होती है। और समुद्घात की अपेक्षा से कहा जाता है कि पानी के जीव जो है जब समुद्घात करते हैं तो वो संपूर्ण यूनिवर्स में देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जो एक इंद्रिय जीव हैं ये कभी सूक्ष्म से स्थूल स्थूल से सूक्ष्म इनकी गति होती रहती है, तो जब सूक्ष्म में जाना है तो सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में पाए जाते हैं, इसलिए जब ये समुद्घात करते हैं सपोज इनकी उत्पत्ति अगर बादर जो स्थूल पानी है उनके जीवों की उत्पत्ति अगर सूक्ष्म रूप में हो रही है तो सूक्ष्म रूप में कहाँ हो रही है यूनिवर्स के किस कोने में हो रही है, तो ये डिपेंड करेगा पर्टिकुलर जीव के ऊपर, बट इतने सारे जीव हैं तो उन सब जीवों में कई किसकी गति कहीं हो रही किसी की गति कहीं हो रही है, तो उनकी प्रेजेंस आप पूरे यूनिवर्स में समुद्घात की दृष्टि से देख सकते हैं। तो इन जीवों का निरंतर उत्पत्ति ये होती रहती है, जन्म होता है मरण होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है और एकेंद्रीय जीवों में समुद्घात बहुत अधिक होते हैं। सो ये समुद्घात की अपेक्षा से ये सब पानी के जीव संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण उसमें पाए जा सकते हैं। यहाँ ये वाटर की जगह आप अर्थ ले लीजिएगा। सो अर्थ के जीव भी जो है इसी तरह से पाए जाते हैं। ओके, एयर बॉडी जीवों के बारे में है कि वायु के जीवों की उपस्थिति इस विश्व में कहाँ कहाँ है, तो ये कहा है कि घनवात वलय और इसी तरह से तनुवात और तनुवात वलय ये साथ साथ माने गए हैं, क्योंकि सातों नरकों के नीचे इस तरह के ये वलय बने हुए ये स्फीयर ये सतह बनी हुई है घनी वायु की सघन वायु की और थीन वायु की,
दो परतें हर नरक के नीचे हैं और उनके चारों ओर भी इस तरह के वलय बने हुए हैं, सघन वायु के और हल्की वायु के। तो ये सारे वलयों में तो ये वायु के जीव आपको देखने को मिलेंगे ही। और मिडल यूनिवर्स में जितने भी आपको लगता है कि यूनिवर्स में जहां जहां कहीं और कोई तत्व नहीं है, खाली स्थान है, तो वहां पर निश्चित रूप से वायु पाई जाती है। सो वो जितने भी होल्स आप मिडल यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं, उन सब में इसकी उपस्थिति रहती है। और इसी तरह से ये जो है इनका स्थान जो है कहा जाता है कि एक तरह से ये कई वायु के जीवों की उपस्थिति यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर जो वन सेंस लिविंग बीइंग है, जो ग्रॉस है, तो उनके स्थान ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेनी इन्यूमरेबल पार्ट्स। जनरली आपको पृथ्वी काय, अपकाय और वायु, ये वनस्पति काय और इन सब के लिए तो इन्यूमरेबल वर्ड्स नहीं पाया जाए, मीन्स अनेक पार्ट्स, मेनी पार्ट शब्द नहीं मिलेगा। किंतु वायु के लिए कहा जाता है कि वायु के स्थान इन कंपैरिजन टू अर्थ, वाटर, वनस्पति, इनकी कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा स्थान आपको वायु के दिखाई देंगे पूरे यूनिवर्स में। और समुद्घात की अपेक्षा तो वैसे ही है कि वो कहीं भी मिल सकते हैं आपको, क्योंकि सूक्ष्म रूप में अगर उत्पत्ति होती है तो वो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो सकते हैं और उत्पात उनकी अपने लाइफ स्पान पर डिपेंड करता है। अब हम इसी तरह से अन्य जीवों के संदर्भ में देखिए तो ये कहा जाता है कि दो इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय तक के जितने भी प्राणी हैं वो इस यूनिवर्स में कहाँ पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा, इसमें कहा गया है कि वो ज्यादातर दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के प्राणी, मूलतः देखा जाए तो विशेष रूप से तिर्यंच पंच इंद्रिय, ठीक है ना, मनुष्य को छोड़ दीजिए, देवता को छोड़ दीजिए, नरक के प्राणियों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी पांच इंद्रिय, दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जितने भी एनिमल्स या सब ह्यूमंस जिन्हें हम कहते हैं, तिर्यंच जीव कहते हैं, इनकी उपस्थिति विशेष रूप से तो ये मध्यलोक में ही होती है, किंतु कुछ हिस्सा हमारा मध्यलोक का ऊर्ध्वलोक में भी गया हुआ है। तो वो जैसे आप मेरु पर्वत के बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया है, तो मेरु पर्वत जो है वो ऊंचाई में बहुत, 1,00,000 योजन का है, तो वो ऊपर स्वर्ग में के जो पांचवा देवलोक है वहां तक उसकी शिखर, उसका शिखर जाता है। तो इस कारण से वो ऊर्ध्व लोक में भी उसका कुछ हिस्सा जाने से माउंटेन जो मेरू है उसमें जहाँ कुएं वगैरह हैं और हरियाली जो जो कुछ भी है, बगीचे वगैरह हैं, तो उनमें ये इन जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। तो और नीचे में कहा जाता है कि ये नरक जो है, वैसे तो नरक में कोई दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय के तिर्यंच प्राणी नहीं है, परंतु ये जो महाविदेह बीच में हमारा ये जो लोक माना गया है मध्य लोक, इसके अंदर जो महाविदेह की माना जाता है, तो वो महाविदेह का विशेष रूप से जो वेस्टर्न महाविदेह है, पूर्व महाविदेह और पश्चिम महाविदेह, दो तरह के महाविदेह हैं। महाविदेह एक ही है परंतु वो बीच में मेरु पर्वत आने से पूर्व महाविदेह और पश्चिम महाविदेह ऐसा कहा गया है। तो जो पश्चिम महाविदेह है उसकी दो, एक तरह से विजय या दो कंट्री कहना चाहिए आपको, सो वो दोनों नरक के कुछ नीचे अधोलोक में गई हुई है। तो उसके कारण से इन जीवों की उपस्थिति अधोलोक में भी मानी गई है। तो मूलतः तो मध्यलोक से संबंधित जो चीजें अधोलोक में या ऊर्ध्वलोक में गई है वहीं पर इन जीवों की उपस्थिति देख सकते हैं। और स्वर्ग में या नरक में, प्योर स्वर्ग और नरक के स्थानों में दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के जो मन एनिमल्स हैं, तिर्यंच प्राणी हैं, वो नहीं देखे जा सकते हैं। समुद्घात और उसकी अपेक्षा से, तो समुद्घात की अपेक्षा से ये दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक के जीवों की उत्पत्ति कहीं भी विश्व में किसी भी रूप में हो सकती है। तो समुद्घात की अपेक्षा से कहा जाता है ये पूरे यूनिवर्स में देखे जा सकते हैं। और जहां तक है उपपात की अपेक्षा से, तो उपपात अपने अपने बर्थ प्लेस के आधार पर डिपेंड करता है। बीच में कुछ और आ गया, ठीक।
फायर बॉडीड लिविंग बींग्स के बारे में कहा गया है कि ये जीव जो है इस यूनिवर्स में सब जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये स्पेशली ढाई द्वीप के अंदर ही देखने को मिलते हैं। यस, थोड़ा सा कुछ प्रॉपर नहीं हो रहा है। सॉरी, वो थोड़ा सा इसका ऑर्डर कुछ चेंज हो गया था। ये अर्थली लिविंग बींग्स के बारे में जो स्लाइड है ये पहले निकल गई थी उधर में। सो इसके बारे में भी कहा जाता है कि जितने भी अर्थली लिविंग बींग्स है, मीन्स पृथ्वी काय से संबंधित जीव है, ये विशेष रूप से हमारे यूनिवर्स में नीचे में सारे जितनी भी 7 प्रकार की नरक मानी गई है, इन ये सारे नरक में एक तरह से पृथ्वी काय जीव है ही। और इसके अलावा उनके अंदर जो नरक के अंदर भवनपति देवों के जो स्थान बने हुए हैं, इनमें भी पृथ्वी काय जीव होते हैं। ऊपर में स्वर्ग में जो विमान बने हुए हैं, जितने भी उन विमानों की जो हैं, उनमें भी ये पृथ्वी काय जीवों के स्थान बने हुए हैं। इसके अलावा जितने भी माउंटेन्स, लैंड्स, आइलैंड्स मिडल यूनिवर्स में है, वहां पर भी पृथ्वी काय जीवों का ये मूल स्व स्थान कहा जाता है, यानी यहाँ पर इन जीवों की उत्पत्ति होती है और यहीं पर ये रहते हैं मूल में। और जब इनका समुद्घात होता है तो समुद्घात में ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी इनका जन्म, ये जहाँ कहीं इनकी गति होनी है नेक्स्ट में, तो उस हिसाब से ये पूरे यूनिवर्स में देखे जा सकते हैं। और उत्पाद की अपेक्षा इनका अपना जिसका जैसा बर्थ प्लेस है उसके हिसाब से ये जीव देख यूनिवर्स में देखने में आते हैं। सो ये फायर बॉडीड के बारे में मैं बात कर रही थी कि ये फायर बॉडीड लिविंग बींग्स जो है, ये विशेष रूप से कहा जाता है कि ये 15 जो हमारे कर्म भूमियां हैं, स्पेशली उन कर्म भूमियों में ही ये फायर देखने को मिलती है, जिसे हम जिस आग को हम जलाते हैं या जिसके द्वारा हम कुछ भी कुकिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरह की जो बादर अग्निकायिक जीव जिनको हम कहते हैं, ये सारे इस 15 कर्म भूमियों में ही देखने को मिलते हैं। और महाविदेह, विशेष रूप से महाविदेह जो 5 महाविदेह माने गए हैं, 5 जो भरत क्षेत्र माने गए और 5 ऐरावत क्षेत्र माने गए, ये ऐसे 15 कर्म भूमियां कही जाती है। तो विशेष रूप से अग्नि आपको इसी जगह इन्हीं 15 क्षेत्रों में देखने को मिलती है, परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा अग्नि आपको देखने को नहीं मिलती है। कुछ ऐसा समय काल भी आता है जब अग्नि का अग्नि प्रकट नहीं होती है। और अगर जैन धर्म के इतिहास को आपने सुना है तो भगवान ऋषभ के समय में जब अग्नि प्रकट हुई थी, तब से ये अग्नि का उपयोग होना शुरू हो गया था, किंतु उससे पहले अग्नि का अस्तित्व उस रूप में पृथ्वी पर नहीं देखा गया था। सो कहने का मतलब है कि 15 कर्म भूमियों में हर समय अग्नि नहीं मिलती है। कुछ समय ऐसा कालखंड ऐसा आता है जब ये अग्नि यहाँ दिखाई नहीं देती है, और तीसरे प्राय करके तीसरे आर्य या चौथे आर्य के आसपास में, तीसरे आर्य के एंड में अग्नि का आविर्भाव होता है। तो ये अग्नि का एक जीव 15 कर्म भूमियों में, विशेष रूप से भरत और ऐरावत में पर्टिकुलर टाइम में दिखती है और हर समय ये नहीं मिलती है, किंतु महाविदेह में आप हमेशा देख सकते हैं अग्नि के अनेक स्थान देखे जा सकते हैं। तो जहां जहां कहीं जिस किसी रूप में अग्नि का प्रयोग किया जाता है, वो सारे उनके अपने स्थान है जहां इन अग्नि का एक जीवों की उत्पत्ति होती है, और समुद्घात और उसकी अपेक्षा ये पूरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो सूक्ष्म रूप में ये 5 स्थावर के जीव कहा जाता है कि ये संपूर्ण यूनिवर्स में पाए जाते हैं, किंतु स्थूल रूप में जो जीवों की बात हो रही है वो पर्टिकुलर प्लेसेस पर पाए जाते हैं और हर जगह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सभी 5 स्थावरों की एक ही कहानी है कि सूक्ष्म रूप में वो सभी जगह पूरी यूनिवर्स में मिल सकते हैं, उनका समुद्घात भी जो है संपूर्ण यूनिवर्स में हो सकता है, उनका उपपाद भी संपूर्ण यूनिवर्स में हो सकता है,
और उनके प्लेसेस भी पूरा यूनिवर्स है, वो कौन यूनिवर्स के किसी भी कोने में ये पांचों सूक्ष्म जीव पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय के देखे जा सकते हैं, बट स्थूल रूप में ये पर्टिकुलर जगह में हमें देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से मिडल यूनिवर्स में कहाँ कहाँ मिलते हैं, अपर यूनिवर्स में कहाँ कहाँ मिलते हैं और लोअर यूनिवर्स में कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो मैंने एक ह्यूमंस का भी किया था, सो वो मुझे एक बार के लिए स्लाइड इधर उधर मिसप्लेस हो गई ये लगता। सो ह्यूमंस जो है, कहा जाता है कि मनुष्य विशेष रूप से मध्य लोक के ढाई द्वीप के अंदर पाए जाते हैं, और हमने इसकी चर्चा काफी कर ली है पिछली क्लास में कि ढाई द्वीप कहाँ पर होता है। तो पूरा मध्य लोक कहा जाता है कि असंख्य द्वीप और समुद्रों से मिलकर बना हुआ है, और सबसे सेंटर में जो है वो ढाई द्वीप आता है। तो सबसे सेंटर में हमारा जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाद में लवण समुद्र है, उसके बाद में धातकी खंड है, उसके बाद में कालोदधी समुद्र है, उसके बाद एक पुष्कर द्वीप का आधा हिस्सा है जहां मनुष्य पाए जाते हैं। सो मनुष्य की उपस्थिति विशेष रूप से ढाई द्वीप के अंदर होती है, उससे बाहर आपको मनुष्य देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, समुद्र घाट की अपेक्षा से, और कहा जाता है कि उपपात की अपेक्षा से अगर उनका जन्म किसी लोअर योनि में होता है या एकेंद्रीय जीवों में होता है तो वो वहां पर पूरे यूनिवर्स में उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है, और विशेष रूप से केवली समुद्घात के समय में मनुष्य जो है वो संपूर्ण यूनिवर्स में देखे जा सकते हैं। तो संपूर्ण यूनिवर्स में विशेष रूप से कब देखे जा सकते हैं, तो उसके लिए कहा गया कि केवली जब समुद्घात करते हैं तो वो अपने आत्मा को संपूर्ण यूनिवर्स में फैलाते हैं, और उस अपनी आत्मा का जब संपूर्ण रूप में विस्तार करते हैं तो वो पूरे तरह से विश्व में हर कोने में, हर जगह, हर प्रदेश पर फैल जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, और उसी समय मनुष्य की उपस्थिति संपूर्ण विश्व में देखी जा सकती है। बाकी सामान्य स्थिति में वो अपने शरीर के प्रमाण ही अपनी आत्मा का विस्तार होता है, हमारी आत्मा का विस्तार होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, सामान्य स्थिति में वो अपने शरीर के अंदर ही रहता है, किंतु ये स्पेशल स्थिति होती है समुद्घात की या उपपात की स्थिति, उसमें जरूर वो आपको यूनिवर्स से में बॉडी से बाहर दूसरे किसी स्थान पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी चर्चा की यहाँ पर, एक जस्ट में बीच में एक ये स्लाइड इधर हो गई थी, तो उसमें तेजस शरीर के बारे में बताया गया कि तेजस शरीर का भी एक के समय भी एक समुद्घात होता है। तो तेजस शरीर का मतलब है कि हमारे अंदर की जो बायो इलेक्ट्रिक बॉडी है उसके दो रूप बनते हैं, एक रूप तो है कि अनिसरण बॉडी होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर ही रहती है और शरीर की क्रियाओं का संचालन करती है, जैसे भोजन डाइजेस्ट करना है या हमारे शरीर में जो दीप्ति, कांति, प्रकाश दिखता है तो उसको मेंटेन करना, और बॉडी के जो भी फंक्शन है उन फंक्शन को जो है करने में हेल्प करना। सो वो बायोइलेक्ट्रिक जो बॉडी है वो हमारे अंदर ही काम कर रही है, किंतु एक बायोइलेक्ट्रिक बॉडी हमारे अंदर जो विशेष साधना से या रिद्धि सिद्धि प्रकट होने से, वो हमारे अंदर तेजो लब्धि प्रकट होने से, इस तरह की एक शरीर हमारे अंदर बायोइलेक्ट्रिक जो पावर होती है वो, जिसका कि हम प्रोजेक्शन बाहर की तरफ कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि भगवान महावीर के सामने गौशालक जो उनके शिष्य बने थे और उनसे ये तेजोलेशा किस तरह से बनती है, प्रकट की जाती है, इसके लिए क्या साधना होती है, उन्होंने भगवान महावीर से सीखा था कि तेजोलेशा कैसे प्रकट की जाती है। और फिर जब वो भगवान महावीर से अलग हो गए थे तो उनके विचार मतभेद होने से वो महावीर के ऊपर ही उन्होंने उस तेजोलेशा का प्रयोग कर दिया था। तो आप ये देख रहे हैं कि बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है जिसे निस्सरणात्मक बायोइलेक्ट्रिक बॉडी कहते हैं, जिसका वो प्रयोग महावीर के ऊपर कर रहे हैं, और भगवान महावीर उसके कारण से उनका शरीर में एक तरह से झुलस गया था और ब्लड का मोशन भी होने लगा था। तो ये 6 महीने तक इस तेजोलेशा के प्रयोग का भगवान महावीर के शरीर पर प्रभाव रहता है। तो ये शरीर से जब निकल रही है तो इसके साथ में आत्मा प्रदेश भी बाहर निकलते हैं, और इसलिए ये तेजोलेशा, इसको तेजस समुद्घात कहते हैं। तो ये ऐसा भी संभव है कि हमारे अंदर की जो बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है जब हम उसको बाहर उसका प्रोजेक्शन करते हैं तो उसके साथ आत्मा प्रदेश भी बाहर आकर के किसी व्यक्ति का नुकसान भी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ये तेजो शक्ति हमारे अंदर इतनी रूप में भी, इस रूप में भी हो सकती है
कि 16 देशों को जलाने की शक्ति इसके अंदर होती है। इतनी ये भयंकर शक्ति मनुष्य के अंदर पाई जा सकती है, तो इसके लिए विशेष साधना की जाती है। साधना से इस तरह की शक्ति मनुष्य के अंदर प्रकट होती है। तो मैंने आज मोटा मोटी रूप में ये बताने की कोशिश की है कि इन जीवों का, ये जो जितने भी प्रकार के जीव माने गए हैं, 5 प्रकार के स्थावर जीव माने गए हैं और 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव जो माने गए हैं, उन सब जीवों का विश्व में कहाँ किस रूप में उपस्थिति होती है या देखी जा सकती है, उसकी चर्चा प्रज्ञापना सूत्र के इस द्वितीय अध्याय में की गई थी। और इसी के साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट में फिनिश होता है। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। पोखरना सर, हाँ वंदन मार गई आपको। वो जो आपने समुद्र गात में बताया कि वो मतलब आत्म प्रदेश है, वो केवली समुद्र गात के अंदर पूरे एक दंड की तरह है जब पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब बिल्कुल। बाद में आपने कहा कि वो कपाट के रूप में मतलब फिर एक्सपांड होते हैं, मतलब यस ठीक है। और उसके बाद में कहा कि वो बीच में भी है जो मतलब साइड में फैल जाते हैं, मतलब अच्छा। उसके अलावा आपने ये भी कहा कि उसमें पूरे फिर वो यूनिवर्स में फैल जाते हैं, मतलब यस ठीक है। तो अब जो सिद्ध शिला की जो बात की गई है, वो सिद्ध शिला उसमें उसमें वो अपने टॉप वाले में होती है या पूरे जो ब्रह्मांड है उसके चारों तरफ होती है सिद्ध शिला? अब सिद्ध शिला और आप ये जो केवली समुद्घात की बात कर रहे हैं, इस ये तो दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, जब केवली समुद्घात हो गया और आत्म प्रदेश पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, यस, तो क्या इसका अर्थ हम ये मान सकते हैं कि जो सिद्ध शिला है वो पूरे यूनिवर्स के चारों तरफ है या केवल बीच में जो स्तंभ है उसके टॉप पर ही है सिद्ध शिला? क्योंकि दूसरी बुक्स में लिखा है कि सिद्ध शिला केवल वो उसके टॉप पे है, लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स में फैल गई, आत्म प्रदेश फैल गए, तो उसका अर्थ होगा कि जो सिद्ध शिला उस पूरे यूनिवर्स के चारों ओर है। तो अब एक बात ये समझना है कि केवली, अभी केवली जब समुद्घात कर रहे हैं तो वो अभी तो सदेह है, शरीर धरती के ऊपर है, अभी मुक्त नहीं है वो। नहीं, होने के बाद में नहीं, होने हो गया पूरा। नहीं, जब वो मुक्त हो जाते हैं तो उनके आत्म प्रदेश पूरे यूनिवर्स में फैले हुए नहीं रहते, वो केवल केवली समुद्घात की जो प्रोसेस करते हैं जिसमें उनको कर्मों का बैलेंस करना होता है मुक्त होने के लिए, तो वो बैलेंसिंग प्रोसेस है जो कि 8 मूवमेंट के लिए होती है, यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है, और वो अपनी बॉडी के अंदर रिटर्न हो जाते हैं। तो जब वो मुक्त होंगे तब तो बॉडी की साइज में होंगे और वो उसका भी बॉडी का भी 2/3 साइज रह जाएगा उनका जब वो मुक्त होते हैं, और उस रूप में वो मोक्ष में जाते हैं। अच्छा, नहीं तो एक मिनट, तो उस केस में क्योंकि केवली पूरा होने के बाद में 8 कर्म कट जाते हैं तो शरीर भी नहीं रहता है, मतलब शरीर भी नहीं रहता है, तो उस केस में जो आत्म प्रदेश की स्थिति बनती है वो उस केस में क्या वो पूरे ब्रह्मांड के चारों ओर होते हैं, मतलब उसका स्प्रेड, मतलब जो यानी देखिए पहली बात, एक बात समझ लीजिए कि बिना कर्म और शरीर के सहयोग के आत्म प्रदेश न तो स्प्रेड होते हैं न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जिस साइज में होते हैं उसी साइज में रहते हैं। आत्मा एक्चुअल में इमूवेबल है, उसमें कोई एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन वैसे नहीं है, किंतु कर्म शरीर के योग से वो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब कर्म शरीर छूट गया तो उसका एक्सपांशन भी नहीं होता, उसका कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं होता है, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहती है हमेशा के लिए। तो उनका लास्ट में 2/3 भाग रह जाता है, मीन्स बॉडी साइज का भी 2/3 भाग आत्म प्रदेश रह जाते हैं, और उसी साइज में वो हमेशा मोक्ष में रहती है, और उसी रूप में यहाँ से धरती से ऊपर की तरफ उठ करके मोक्ष जाती है। उस समय आत्म प्रदेश स्प्रेड करने का उनको चांस ही नहीं, क्योंकि कर्म शरीर छूट गया, कर्म शरीर के योग से वो सारा स्प्रेड करती थी। तो आखिर में जाकर डॉक्टर सुरेंद्र जी,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो आखिर में जाके जब सिद्ध शिला में विराजती है आत्मा है, तो सिद्ध शिला का मतलब है जो वो पूरे ब्रह्मांड के लोकाकाश के चारों ओर होती है या केवल बीच में जो स्तंभ है उसके टॉप पर होती है? मतलब ऐसा नहीं, देखिए मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले आत्मा 14 रज्जू जो लोक की ऊंचाई है उसके उस ऊंचाई के हिसाब से अपने आत्म प्रदेशों को दंडाकार बनाती है, पूरा हाँ, लोक कवर कर रही है 14 रज्जूस का, हाँ, परंतु वो दंड के आकार में है। दूसरे समय में वो दोनों तरफ फैलती है, अपने आत्म प्रदेशों को फैलाती है। तो किसी शास्त्र के हिसाब से, किसी ग्रंथ में ये भी रेफरेंस है कि वो चारों तरफ माने चारों डायरेक्शन में फैलाएगी अपना, तो उसको दो कपाट की संज्ञा भी दे सकते हो, आपको उस रूप में भी दे सकते हो। तीसरे आकार में जनरली श्वेतांबर शास्त्रों में उसको कहा जाता है कि दूसरे समय में तो वो कपाट की तरह दो दिशाओं में फैलाती है, तीसरे समय में वो दो अन्य दिशाओं में फैलाती है, जिसे मंथनाकार कहा जाता है, और चौथे समय में जितना भी स्पेस अब बाकी रह गया उसमें पूरे में स्प्रेड हो जाती है, तो चौथे समय में पूरे यूनिवर्स को कवर कर लेती है। फिर वापस वो जैसे ही कर्म उसके शेड ऑफ होते हैं, इस प्रोसेस में जितने भी एक्स्ट्रा कर्म थे वो खत्म हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं उनकी उन आयु के हिसाब से। तीनों कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, सॉरी नाम कर्म और गोत्र कर्म, सॉरी नाम और गोत्र और वेदनीय कर्म, ये जितने भी एक्स्ट्रा इनका अमाउंट था आयु से, आयु सपोज 6 महीने की है और कर्म आपके ये तीनों 12 महीने जितने हैं, अब केवली के पास 6 महीने से अधिक तो समय है नहीं उनको शेड करने का, तो वो उसको बैलेंस करते हैं कि 12 महीने के कर्म को 6 महीने के सीमा में ले आते हैं इस प्रोसेस से, है ना, जितना भी एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देते, रिमूव कर देते इस प्रोसेस के द्वारा, और फिर वो 6 महीने जितना ही रह जाता है, तो जैसे ही उनका आयु संपन्न होता है उसके साथ इन कर्मों से भी वो पूरी तरह से मुक्त हो जाती है, अघाती कर्मों से, और उसके साथ ही वो मोक्ष चले जाते हैं। किंतु जब मोक्ष जाते हैं तब उनका शरीर का जो जितनी हाइट थी, विड्थ थी, लेंथ थी, उसका 2/3 भाग ही आत्मा का रह जाता है, मीन्स आत्मा इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अभी हमारे शरीर में जगह जगह जहां जहां भी वैक्यूम पोल है, पोल नाक के अंदर पोल है, कान के अंदर है, बॉडी के अन्य चीजों के अंदर भी जो पोल भाग है, वो पोलार भाग जो है वो खत्म हो जाता है, आत्मा वहां भी अपना स्थान बना लेती है, तो वो बॉडी से सीमित करके उन पोलार भाग में भी एक तरह से अपना स्थान बना, मतलब पोलार भाग से भी तो है वो उसको डिलीट कर दे तो आत्मा का 2/3 भाग रह जाता है, बस उसी साइड में वो शरीर से बाहर निकल करके मोक्ष में स्थित होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर वहां वो टॉप में रहती है, वो मोक्ष का स्थान आपको बताया है कि लोक के अंत में 45 लाख योजन जो हमारी नीचे की कर्म भूमि, जैसे हम एक मोक्ष हमेशा 2.5 द्वीप से होता है और 2.5 द्वीप जो है 45 लाख योजन का माना गया है, तो जीव यहीं से सीधा मोक्ष में जाता है और वो ऋजुगति से जाता है। 2.5 द्वीप का 45 लाख योजन की जो है लंबाई और चौड़ाई है, तो सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की ही मानी गई है, उससे ज्यादा नहीं है, और वो यूनिवर्स के टॉप पर है, वो यूनिवर्स के टॉप पर है और अर्ध चंद्राकार आपको दिखाई देता है, तो वो सफेद बहुत फाइन मैटर की बनी हुई है, सो वो उसी शेप में वो 45 लाख योजन की ही है, उससे ज्यादा नहीं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सिद्ध शिला की साइज है वो 45 लाख योजन की है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, 45 लाख योजन वो मतलब लंबी चौड़ी है, ठीक है ना, जितना हमारा नीचे का 2.5 द्वीप है उसी साइज, उसी लंबाई चौड़ाई की वो सिद्ध शिला भी है, क्योंकि मोक्ष जब जीव कोई भी प्राप्त करता है तो वो हमेशा ऋजुगति से चलता है, तो वो इधर उधर कहीं वो नहीं टर्न नहीं करता है, तो जहां से भी उसका मोक्ष हो रहा है उसी स्ट्रेट लाइन में वो मोक्ष में स्थित होता है, यहाँ से 2.5 द्वीप से, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में उसे जाना है, तो पृथ्वी भी वहां वहां होनी चाहिए जहाँ जहां जहां से जीव मोक्ष हो रहा है। वो भी दूसरा ये था, एक मिनट, ये दूसरा ये था कि आपने कहा था कि या तो सीधी गति में जाती है आत्मा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या है जो मतलब तीसरी गति से जाती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है, तो टेढ़ी मेढ़ी क्या है कि एक लाइन में जाएगी फिर दूसरी लाइन को पकड़ लेगी फिर तीसरी लाइन में जाएगी, लेकिन वो कर्वी लीनियर नहीं होती है, मतलब सर्कुलर या ऐसी नहीं होती है, मतलब कर्व पार्ट जो
इसी हाँ इसीलिए कहा जाता है कि जीव जब शुद्ध रूप में चलता है या जिस किसी रूप में भी चलता है या परमाणु भी जो होता है वो हमेशा उनकी गति अनुश्रेणी गति होती है। अनुश्रेणी गति है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं। अगर सपोज उन्हें टर्न भी लेना पड़े तो वो उस पॉइंट पे जाकर के वहां से इस तरह से चलेंगे कि वो भी स्ट्रेट ही होना चाहिए, उनका पॉइंट स्ट्रेट में ही होना चाहिए। तो जहां तक जाना वहां से चले गए, फिर उस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन लेकर के नेक्स्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो शार्प टर्न लेते हैं मतलब, तीन टर्न ही लेते हैं, चार समय मैक्सिमम माने जाते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा तीन, मैक्सिमम तीन टर्न लेती है, मिनिमम टू टर्न या वन टर्न इस तरह से भी हो सकता है, और ऋजु गति में कोई टर्न नहीं होता है। मेरा मानना है कि जो भी टर्न लेते हैं सुरेंद्र जी वो हमेशा राइट एंगल पे ही होता है, राइट एंगल ओनली। और आप जो ये बात कर रहे थे जो सबड़ी जी, मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र जी सिद्ध गति के जो जीव है उसकी अवगाहना और केवली समुद्गात में कंफ्यूज हो गए। मैंने वही पोखरनाथ सर से कह रही कि केवली समुद्घात तो क्या है, मुक्त जीव नहीं है वो, तो संसारी है अभी, मतलब कहने का केवल ज्ञानी बन चुके हैं और वो अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए केवली समुद्घात की प्रक्रिया करते हैं। अभी उनका आयुष्य 6 महीने भी बाकी हो सकता है। अच्छा, है ना, तो अभी वो सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध होने के बाद उनकी साइज जो है बॉडी के हाइट की 2/3 रह जाती है, उससे ज्यादा नहीं रहती है, उसको अवगाहना कहते हैं। हाँ, वो अवगाहना कहते अहमदाबाद से पैरूलाल हिरू। केवली समुद्गात के संबंध में जो चर्चा चल रही उसमें एक जिज्ञासा है कि केवली समुद्गात के समय आत्मा प्रदेश जो पूरे संपूर्ण लोक में जाते हैं, क्या उस संपूर्ण लोक का जाना ही उसमें तय है या कम लोक के किसी कम भाग में भी जाते हैं, उनके आयुष्य और कर्म के प्रमाण के आधार पर उनका विस्तार संपूर्ण लोक में नहीं होते हुए भी कम लोक में भी हो सकता है या संपूर्ण लोक में ही होता है ऐसा? संपूर्ण लोक में ही होता है, केवल इस समुद्घात का यही नियम है कि वो संपूर्ण लोक में ही होता है, बाकी समुद्घातों में हो सकता है कि जितना उनका अपना डेस्टिनेशन, बर्थ डेस्टिनेशन कहाँ कितना है उस हिसाब से, तो उसमें लिमिट हो सकती है, परंतु केवल समुद्घात का के संदर्भ में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जो भी व्याख्या होती है तो उसमें कहीं भी ऐसा प्रमाण हमको नहीं मिलता है कि कोई लिमिटेड स्पेस में ही फैलते हो, ऐसा नहीं। मतलब समृद्धि ऐसा कह सकते हैं कि वो त्रसनाड़ी से बाहर भी निकलेगा आत्मा प्रदेश? यस यस यस, त्रसनाड़ी से बाहर भी जाएगा, इसीलिए तो पूरे यूनिवर्स को माना है। दूसरा एक जिज्ञासा थी कि जो लोग संरचना का हमारा आगम का जो आपके द्वारा भी जब बताया गया और वो जानते हैं, वर्तमान समय में जो भी दृश्य जगत है और या ब्रह्मांड के बारे में जो भी विज्ञान और उसके द्वारा जाना गया है उसके साथ में क्या, जैसे हम भरत क्षेत्र और जम्बूद्वीप की बात करते हैं, हम भरत क्षेत्र में है, तो क्या कोई संगति ऐसी बैठाई गई है या ऐसी बैठ सकती है जिससे कि हम हमारी जो संरचना है आगम में इन लोक और लोक के बारे में उसमें कुछ संगति बैठा सकते हैं? अभी वैसे जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के अंतर्गत जीवराज जी जैन इसी विषय पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से जैन लोक की संगति विज्ञान के साथ बिठाई जा सकती है, और उन्होंने स्टेटिस्टिक मॉडल पेश किया है और उसके आधार पर सब कुछ जो अभी वर्तमान में विज्ञान का जो भी चिंतन है कॉस्मोलॉजी को लेकर के, उसके हिसाब से जैन चिंतन जो है वो बैठ जाता है, संगति बैठ जाती है उसकी। तो शायद जीवराज जी जैन का आप आर्टिकल पढ़ेंगे और उनसे डिस्कशन करेंगे तो काफी विस्तार से आपको बता सकते हैं। समृद्धि, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलिए। हाँ पेरूलाल जी, आपको अगर आप अहमदाबाद में ही हो और हमारा ये जैन अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पीछे क्रॉस रोड पे ही है, तो आप हमारी ऑफिस, हाँ, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ अरे साहब और भंडारी साहब के साथ। हाँ और हमसे जुड़ भी सकते, हमसे जुड़ भी सकते हो। पहले जुड़ा नहीं पर बात, पहले जुड़ा नहीं पर यूट्यूब पे देखता रहता मेरा। हाँ
पोखाड़ा साहब आपको ज्यादा बता सकते हैं, पोखाड़ा साहब आप बताइए। नहीं नहीं वो बिरला साहब कई बार पधार चुके हैं अपने अपने अकादमी के अंदर, वो अच्छी तरह जानते हैं चीजों को। और नहीं तो हाँ जेएस की वेबसाइट पर भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जीवराज जी जैन का भी लेक्चर है, तो उन्होंने काफी नए ढंग से उसको प्रेजेंट किया है, मैथमेटिकल तरीके से हम उस चीज की संगति बिठा सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में एक तरीका नहीं था किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का, और विशेष रूप से लोकाकृति है और कर्म थियरी है, इसको डिस्कस करने के लिए मैथमेटिक्स का ही सपोर्ट विशेष रूप से लिया गया है शास्त्रों में, पर वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन तो छोड़ गया और हमने जो लोक के आकार को अभी एक तरह से ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और उसी तरीके से समझते हैं और इसीलिए संगति नहीं बैठ पा रही है, तो उन्होंने उसको मैथमेटिकल तरीके से किस तरह से उसको संगति बिठाई जा सकती है इसके ऊपर काफी गहराई से काम किया है और काफी अच्छे से डिस्कशन भी किया है अलग अलग आचार्यों के पास में जाकर के, स्कॉलर्स जो मुनि महेंद्र कुमार जी जैसे जो जिन्होंने यूनिवर्स पे काम किया है, तो वो उन सब से बात करके उन्होंने एक सर्वसम्मति से एक मॉडल पेश किया है और वो काफी अच्छा भी फिटिंग लग रहा है अप टू द मार्क लग रहा है। समनी जी मेरा एक प्रश्न, मेरा प्रश्न ये कि आपने ये कहा कि केवली समुद्घात के बाद भी 6 महीने की आयुष्य हो सकती है, मेरा मानना ऐसा है कि जब ये आयुष्य का कर्म खत्म होने वाला है उस समय पे अपने जो नाम कर्म वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म का जो भी भाग बाकी है उसके लिए आत्मा समुद्घात करता है, तो वो अंत समय में ही होना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि समुद्घात तो एक समुद्घात के बाद तो उसने सब कर्मों को खपा दिया, इसके लिए तो वो समुद्घात करता है। नहीं 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 समुद्घात जो किया जाता है वो बैलेंस करने के लिए किया जाता है, आयु उनका कम है और कर्म ज्यादा है उसके लिए बैलेंस किया जाता है, तो आयु को तो घटा नहीं सकते ना तीर्थंकर, कोई भी केवल ज्ञानी आयु को तो नहीं घटा, वो अंत में नहीं होता है। श्रमणी जी मेरा मानना ऐसा है कि अंत में ही होता है केवली समुद्घात, बीच में नहीं, पहले नहीं हो सकता है। देख वो मैं आपको फिर आपका जो कहना है मैं उसको देख लूंगी अगर कोई प्रमाण मिलेगा तो, जनरली हाँ। जो चर्चा मिलती है की जाती है उसमें यही कहा जाता है कि मान लीजिए कि 6 मंथ का उनका आयुष्य है और 12 महीने जितने कर्म है तो वो 6 महीने जितने एक्स्ट्रा जो कर्म है उनका बैलेंस करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, तो आयु तो उनका अगर 6 मंथ है तो उनको 6 मंथ जीना ही है, सो इट मे बी आपकी आपका पॉइंट भी मैं देखती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रमाण मिल गया तो मैं आपको बता सकती हूँ उसका। हाँ दोषी साहब जो बता रहे हैं वही हमने भी अभी तक यही समझा था कि अंत समय में जो उनका आयुष्य का और कर्म का जो थोड़ा प्रमाण आगे पीछे होता है तो उसको ठीक करने के लिए केवली समुद्घात अंतिम समय में होता है। ठीक है आप जैसा भी और... हाँ, वो जनरली जैसे हम साधु साध्वी और आचार्य श्री के और इनकी प्रेजेंस में भी डिस्कशन होते है ना, सो जनरली यही हमें बताया गया है कि 6 मंथ पहले भी हो सकता है, सो आई विल सी अगर जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए ऐसा कहा गया है बताने के लिए इस बात को तो मैं हो सकता है, बट अगर कोई ऐसा प्रमाण भी होगा तो मैं देखती हूँ, इसमें ही समुद्घात की चर्चा आई हुई है प्रज्ञापना सूत्र में, ये समुद्घात 8 समय में ही होता है, 8 समय के लिए ही होता है, 8 समय में संपूर्ण होता है। हाँ 8 समय में संपूर्ण हो जाता है, ये 4 समय में तो आत्मा फैल जाती है और 4 समय में फिर वापस रिटर्न हो जाती है बॉडी के, कोई कम ज्यादा समय में इसको नहीं संपन्न कर सकता है। अभी तक की शास्त्रीय जो चर्चा है उससे लगता है कि 4 समय आपको लगता है ना यूनिवर्स में आप पूरा स्प्रेड करेंगे तो इतना समय तो आप लेंगे, ये तो एक जो थियरी है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि ये 8 समय इसका 8 समय फिक्स है, क्योंकि ले तो एक्चुअल में देखा जाए तो 4 ही समय ले रहा है फैलने में, तो वापस रिटर्न होने में उसको 4 समय लग रहा है, तो फैलने में तो वो 4 ही समय ले रहा है, बहुत कम समय ले रहा है। अच्छा शमनी जी एक और प्रश्न है, अशेषा बहन आप दूसरों को भी चांस दें पहले। वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ इसलिए वो उसमें क्या है कि 8 समय जो बताया ना आपने, जब सभी कर्म कट गए आयुष कर्म और तीसरे वो दूसरे, तब उस समय जब वो सिद्ध शिला पे जाती है आत्मा तो 1 समय में जाती है, हाँ वो बिल्कुल सही है, ऋजुगति हमेशा 1 समय की होती है, चाहे आप
नीचे के पॉइंट चाहे सातवीं नरक जिसको कहते हैं वहां से कोई जीव अगर मान लीजिए सपोज जाता नहीं है मोक्ष वहां से, पर जस्ट कल्पना के लिए कहती हूँ कि पूरे 14 रज्जु की दूरी भी अगर वो पार कर रहा है तो वो एक समय में ही पूरी करेगा, अगर वो रिजुगति से जा रहा है तो वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है ये लाइट, ये आपकी जो लाइट की स्पीड है ना उससे भी बहुत बहुत फास्ट। भंडारी जी, भंडारी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए भंडारी जी को बोल आप अपना ड्रेस नीचे कर लें। मेरी तो आपसे एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि हाँ। आपने बड़े अच्छी तरह से समझाया कि समुद्र घाट या ये भी जो भी प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, पर अपने बॉडी से, ये प्रश्न मेरा ये है कि आत्मा बॉडी से विड्रॉ करती है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। विड्रॉ करती है मतलब आत्मा जब, ये मृत्यु का जो प्रोसेस बॉडी के हिसाब से होता है, जो आत्मा पूरे ब्रह्मांड में तो एक समय या चार समय में फैल जाती है, परंतु अपने बॉडी से जो मृत्यु की प्रक्रिया होती है उसमें कई घंटे या कई दिन या बहुत लंबा समय लगता है। इसके बारे में कुछ पन्ना वन्ना में या और कोई ग्रंथों में इसका विवेचन किया हुआ है कि जैसे अपनी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन शिथिल हो जाता है, अपने सेल मर जाते हैं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये इंस्टेंटेनियस एक समय या चार समय की नहीं है, इसके बारे में कुछ विवरण में। हाँ नहीं, वो आपका जो कहना है उसको तो थोड़ा उस दृष्टि से कितना डिस्कस किया गया है वो थोड़ा मैं देख करके बता सकती हूँ। वैसे जो स्मरण समाधि के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ है, दिगंबर ट्रेडिशन में भी और जैन धर्म में भी, में से श्वेतांबर ट्रेडिशन में भी काफी कुछ लिखा गया है, बट ये मरण प्रक्रिया जो है वो किस तरह से, जनरली ये है कि भाई आयुष्य संपन्न हो गया है, अगर डेथ हो गई है किसी व्यक्ति की तो आत्मा प्रदेश शरीर से बाहर निकलने में, जनरली हम साधु साधुओं के बीच में तो ये कि 36 मिनट्स तक आपको बॉडी को टच नहीं करना है, क्योंकि तब तक आत्मा प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं तो बॉडी के अलग अलग पार्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के जिस पॉइंट से उसको बाहर निकलना वहां वो पहले कंसंट्रेट होते हैं और वहां से निकलना शुरू करते हैं। सो हो सकता है जैसे किसी की डेथ हो रही है और उसका सिर से प्राण निकलने हैं या आंखों से निकलने हैं या मुंह से निकलना है तो सारे पहले पैरों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हाथों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मिडल पार्ट जो भी जो हमारे बॉडी के ऑर्गन से वहां से कॉन्ट्रैक्ट करके वो आंखों तक कंसंट्रेट होंगे और फिर आंखों से बाहर आत्मा निकलती है। तो कॉन्ट्रेक्शन में बॉडी से अलग अलग जगह से कॉन्ट्रैक्ट करने में उसको थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए 36 मिनट तक जो है किसी की भी डेथ डिक्लेयर कर भी दी गई है तो भी उसको टच नहीं करने के लिए कहा जाता है, उसके बाद ही ये माना जाता है कि उनकी पूरी तरह से डेथ हो चुकी है और अब इस बॉडी को किसी गृहस्थ को दे सकते हैं। तो क्या समझ में आपने 36 मिनट का आपने क्या ये 48 मिनट का था पहले, 48 मिनट का कहा जाता था पहले। अभी तक मैं आपको फिर भी कंफर्म करके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि साधु साधु के बीच में जो हमारा ट्रेडिशन है आज भी कि वो डेथ होने के बाद में 36 मिनट्स तक तो हम लोग भी टच नहीं करते। सपोज उनका कपड़ा चेंज करना है, कुछ नई ड्रेस उनको पहनाना है तो ये करके हम मान लीजिए गृहस्थों को डेड बॉडी को देते हैं तो वो 36 मिनट के बाद ही हम उनको टच कर सकते हैं, उनका कपड़ा वपड़ा जो भी नया पहनाना है, जो भी प्रोसेस है हमारी और से प्रक्रिया करनी है तो वो हम तभी करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था, मेरा प्रश्न ये था, मतलब 48 मिनट के अंदर आप बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप में जिस तरह से बिठाना चाहते हो बिठा दे, उसके बाद बॉडी जो है ना हार्ड हो जाती है तो वो कहा जाता है कि 48 मिनट तक वो बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहेगी और उसके बाद में उसको करेंगे तो वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी तो फिर उसको उस रूप में बिठाना मुश्किल होगा। तो वो ध्यान बाद में सौंपते है ना अभी साधु साधियों की जो भी, मतलब जैसे मेरा तो कहना है कि टच करना एक तरह से कि 36 मिनट तक हम टच नहीं करते हैं,
बाद में उनको कपड़ा वपड़ा पहना करके और 48 मिनट तक सपोज उनको दे देते हैं ताकि उस टाइम के अंदर ही उस बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन में बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं। 36 मिनट में सभी आत्म प्रदेश उससे निकल जाते हैं। हाँ अभी हाँ यही परंपरा है और इसलिए ये कुछ चीजें ट्रेडिशनली चली आ रही है ना और शास्त्रों में कहा क्या इसका प्रमाण है वो मैं देख मुझे मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी, बट अब कुछ चीजें परंपरा से चली आ रही है, आगे से आगे वो श्रुतानुश्रुतिक परंपरा भी चलती है ना कि पुराने साधु साध्वी इसी तरह से करते रहे हैं या तीर्थंकरों के समय भी इसी तरह से हुआ है तो आगे से आगे वो ट्रेडिशन चलती है। नहीं, मेरा निवेदन था कि ये जो 36 या 48 मिनट या जो भी समय है इसमें क्या प्रक्रिया होती है शरीर में, इसके बारे में कहीं विवरण मिलेगा या आप इसके बारे में एक क्लास लेंगी ले सकती हैं कभी तो वो बहुत तो अच्छा। मुझे उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्पेशल स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया के बारे में कहीं कुछ ऐसा पढ़ने में मेरे का जनरली नहीं आता है। स्थानांग सूत्र में एक बात जरूर कही गई है, सपोज की मृत्यु होती है तो बॉडी के किस पार्ट से मृत्यु हो रही है उसके आधार पर उसकी गति का पता चलाया जा सकता है, यानी वो जीव नरक में जाने वाला है, तिरंच में जाना वाला है, मनुष्य में आने वाला है या उसका मोक्ष होना है या देवगति में जाने वाला है, तो बॉडी के किस पार्ट से आत्मा बाहर निकल रही है उसके आधार पर उसके नेक्स्ट डेस्टिनेशन का या नेक्स्ट पोजिशन जो स्थिति है उसका पता चला सकते हैं। तो थोड़ा मोटा मोटी इस तरह की बातें आती है, पर आप जो पूछना चाह रहे हैं जानना चाह रहे हैं वो मैं देखती हूँ कि कहाँ मिल सकता है। वो बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। विज्ञान की दृष्टि से वो ऐसा है कि कुछ ऑक्सीजन बॉडी में रह जाती है मरने के उपरांत भी, तो वो ब्रेन में चली जाती है और वहां पर वो ऑक्सीजन जलती है और एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो मुझे ये पर्टिकुलरली कंफर्म करना था कि इसके बारे में कुछ अपने ग्रंथों में विवेचन हो तो आप जरा देख के हमको समझाइए। आपने आत्मा शरीर से निकलने के बाद किस प्रकार जाती है सिद्धचर्या तक वो तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया, पर उसके साथ बॉडी में क्या क्रियाएं होती हैं अगर इसके बारे में कुछ समझने को मिले तो ये मेरी जिज्ञासा थी। और एक छोटा पॉइंट मैं बैरूलाल जी साहब के लिए कहूँगा कि हमारे जेएस ने करीब एक वर्ष तक ये जो विसंगतियां हैं इसके बारे में 4-5 वैज्ञानिकों ने काफ़ी डिस्कशन किया और एक पूरा इश्यू हमारे प्रोसीडिंग्स का निकला है लोका इश्यू, उसमें ये अभी तो समय नहीं है और ये ओकेजन भी नहीं है वो डिस्कस करने का, आप को समय मिले 15-20 मिनट तो मैं आपको उसका सारांश बता दूंगा कि उसमें क्या किस प्रकार ये सॉल्व की जाती है। जीवराज जी का तो एक व्यू पॉइंट था, उसके अलावा और भी कई बातें निकल के आई है और कुछ चीज़ें बड़ी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं जो विसंगतियां हैं ये दूर हो जाती हैं। मैं उपस्थित हूँ, यही प्रश्न था मेरा। तो समृद्धि में कुछ पूछ सकते हैं? हाँ कुछ कह रहे हैं। हाँ मैं मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे हमने बात की तो फिर तो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का सबका शरीर से आत्मा प्रदेश का निकलने का अलग अलग टाइम होना चाहिए क्योंकि हम तो ऐसा कर कोई सूक्ष्म जीव या मतलब एक इंद्रिय जीव के लिए कहीं कहीं समूचित जीव के लिए तो अंतर मुहूर्त बोलते हैं, कहीं ऐसा बोलते हैं कि एक श्वास लेंगे उसमें 17.5 टाइम उनका जन्म मरण होता है, तो सबका शरीर को छोड़ने का टाइम अलग अलग हो जाएगा और अलग अलग प्रक्रिया हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? एकेंद्रीय में अलग, पंचेंद्रीय में अलग, एकेंद्रीय पंच केंद्रीय पंचेंद्रीय तो अलग एक सेपरेट बात हो गई, परंतु हम पंचेंद्रीय जीवों का भी कोई एक साथ जन्म और एक साथ मरण तो होता नहीं ना, तो उन सूक्ष्म जीवों का तो सवाल ही नहीं, उनका लाइफ स्पान तो बहुत छोटा है। जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम निगोद के जीव कहते हैं वो एक श्वास में 17.5 बार जन्म और मरण कर लेते हैं, तो ये उन जीवों की अपना लाइफ स्पान पर डिपेंड करता है कि किसका आयुष्य कितना है, अंतर मुहूर्त का है या 22,000 वर्ष का है या 70,000 70 कोरापुरी वर्ष का है या
एक करोड़ वर्ष का है, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन किस तरह का जीव है और उसकी क्या लाइफ स्पान है, ठीक है ना। सो वो तो अलग अलग वेरीज करेगा, और कोई मनुष्य भी है तो कोई कोई मेरा प्रश्न वो नहीं है, लाइफ स्पान नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि हर एक की मतलब औदारिक शरीर नहीं होने के बावजूद भी हर एक की मरणांतिक प्रक्रिया जो है वो अलग अलग रहेगी। नहीं, मरणांतिक प्रक्रिया का मतलब क्या है, मरणांतिक जो क्रिया जो समुद्भात है उसमें ये है कि किसी का कोई सा भी कैसा भी शरीर हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे पानी का हो, चाहे अग्नि का हो, चाहे वायु का, वनस्पति का, या दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक के जितने भी प्राणी हैं, चाहे देव हो, नरक हो, मनुष्य कोई भी हो, वो अपने उनका जो भी शरीर है उस शरीर से आत्म प्रदेश का बाहर जाना उसको समुद्भात कहते हैं ना, उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो आत्म प्रदेश तो उनके अपने नेक्स्ट बर्थ प्लेस के हिसाब से जिस तरह से उनको जाना है या जो प्रक्रिया उनको मरणांतिक समुद्भात के दौरान जो कुछ करना है, तो वो आत्मा का बाहर निकलना है, तो उसमें कहाँ दिक्कत है। मैं मरणांतिक समुद्भात नहीं पूछ रही, समझिए मैं पूछ रही हूँ कि मरणांतिक प्रक्रिया मतलब मरण की प्रक्रिया जो है, यानी कि आत्मा प्रदेश को शरीर को छोड़ के निकल जाने का, वो जो है परमानेंट छोड़ के निकल जाने का, मतलब जिसको हम डेथ बोलते हैं नॉर्मली, वो प्रक्रिया तो सभी औदारिक शरीर होने के बावजूद भी सबकी अलग अलग रहेगी क्या? अलग अलग रहने के सेंस में थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से आप कहना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी का तो बर्थ टाइम मतलब पूरा लाइफ स्पान ही 36 मिनट का नहीं होता, या तो मतलब 48 मिनट का नहीं होता है, या किसी किसी का तो एक श्वास में 17 एंड हाफ टाइम तो मतलब जन्म होता है मरण होता है, जन्म होता है मरण होता है, तो सबको तो सबको अलग अलग टाइम मिलेगा अपना बॉडी छोड़ के जाने के लिए, ऐसा मेरा प्रश्न है। सही है, आपका प्रश्न अच्छा है, परंतु अब ये समझना है कि उसका लाइफ स्पान अंतर मुहूर्त ही उसका 48 मिनट है ही नहीं, उसका लाइफ स्पान ही नहीं है, तो वो उस वो उस स्पीड से बाहर निकलेगा ना, उतना ही समय के अंदर बाहर निकल जाएगा। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं कि आत्म प्रदेश कभी कभी जो है बॉडी से निकलते हुए, जैसे भंडारी साहब का ये पूछना है ना कि बॉडी के पहले सेल्स डेड होते हैं, फिर टिश्यूज डेड होते हैं, फिर मान लीजिए ऑर्गन्स डेड होते हैं, फिर ब्रेन डेड होता है, तो ऐसा प्रोसेस तो ह्यूमन बींग्स में या इस तरह के स्थूल जीवों में थोड़ा इस तरह का प्रोसेस हो सकता है, इसी वजह से ये एक ट्रेडिशन है कि 36 मिनट्स तक उसको वेट करिए कि वो पूरी तरह से डेथ हो जाने के बाद ही उसको टच करिए, नहीं तो वो डेथ की प्रोसेस में बहुत पेन होता है जीव को, और उस कंडीशन में अगर आप उसे टच करते हैं तो उसको और ज्यादा वेदना होती है, सो उसको किसी तरह का कष्ट न हो इसलिए उसको टच नहीं करना चाहिए। और किसी के हाँ। भंडारी साहब ने जो मृत्यु के समय की जो प्रक्रिया शरीर में होती है उसके बारे में बात की, उसी संदर्भ में जब भी आप इस बारे में चर्चा और आपकी मतलब इसमें लेक्चर लें, तो जैसे वर्तमान समय में डॉक्टर्स मानते हैं कि ब्रेन डेड होने पर मृत्यु उसकी मौत रहती है, ये मैंने एक जो है इससे इनसे भी पूछा था कि वास्तव में ब्रेन डेड होने पर मृत्यु कर लेते समझ लेते हैं परंतु होती है या नहीं, परंतु वो नहीं तो कितने दिन तक रखेंगे उनको, तो मृत्यु का जो है हृदय बंद होने से मृत्यु है, ऑक्सीजन श्वास बंद होने से मृत्यु है, ब्रेन डेड होने से मृत्यु है, तो मृत्यु का वास्तविक स्वरूप क्या है कि क्या होने से उसको हम मृत्यु कह सकते हैं, हम ब्रेन डेड व्यक्ति को दो दिन चार दिन अपने वेंटिलेटर पर रखने के बाद में उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं अब घर वाले हम आप ले जाइए, परंतु क्या वास्तव में ब्रेन डेड व्यक्ति मृत्यु कहलाती है, या हार्ट बंद होने पर मृत्यु कहलाती है, या श्वास नहीं लेते हैं तो भी शरीर पूरा श्वास लेता है, केवल नासिका से श्वास नहीं होता है, पूरा शरीर भी श्वास लेता है, तो मृत्यु वास्तव में क्या है, ब्रेन डेड मृत्यु है, श्वास का रुकना मृत्यु है, हार्ट का रुकना मृत्यु, जब भी आप ले आगे इस बारे में थोड़ा सा आपका जो है बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा है स्टडी करेंगे। और दिगंबर का एक ग्रंथ है भगवती आराधना, और लगभग उसका हमने भगवान महावीर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के अंतर्गत उस प्रोजेक्ट को करवाया था, उस पर काम करवाया था, तो 1000 पृष्ठ में उसका ट्रांसलेशन हुआ है जस्ट मरण प्रक्रिया को लेकर के, 1000 पृष्ठ का, और उदयपुर के ये जो स्कॉलर है उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सो बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन किया है, इतना मेथोडिकल ढंग से उन्होंने काम किया है,
और वो 1000 पृष्ठ का वॉल्यूम बन गया है। तो कहने का मतलब है कि ये मृत्यु की आराधना के ऊपर दिगंबरों दिगंबर ट्रेडिशन में 2-3-4 ऐसे बहुत ही अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं। हो सकता है कि वहां इस तरह की सब चर्चाएं अपने को मिल जाए कुछ पॉइंट्स, सो उसके आधार पर फिर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुद्ध धर्म की मैंने पुस्तकें पढ़ी और हिंदू धर्म की, उनमें तो ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है या और बहुत लंबी होती है और बड़े विस्तार से लिखा गया है, तो वैसा मुझे जैन ग्रंथों में नहीं मिला। ये नहीं, मृत्यु के ऊपर है तो काफी ग्रंथ अच्छे ग्रंथ है, पूरे के पूरे ग्रंथ मृत्यु के ऊपर ही लिखे गए हैं। उसको मैं मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा उन ग्रंथों की, तभी कुछ अपन डिस्कशन कर सकते हैं। और यूं एक सामान्य सिद्धांत तो ये है कि जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है, तो हर मोमेंट के साथ आप कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर इस तरह का एंट्रोपी चल रहा है जिससे कि डेथ की तरफ हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो कहना चाहिए कि जन्म के फर्स्ट मोमेंट से लेकर के साथ ही डेथ का प्रारंभ भी हो जाता है। अब वो किस रूप में होता है वो अपने को समझना है, और लास्ट मोमेंट में तो जस्ट आत्मा अब सेपरेट होती है बॉडी से, बट डेथ का प्रारंभ भी उसी के, जैसे जैसे आयु कर्म का आप भोग करते जाते हैं उतने उतने अंश में आप डेथ होती चली जाती है। जितना आप आयु का उपयोग भोग कर लेते हैं, आयु कर्म लाइफ स्पान जितना आपका है, तो हर मोमेंट वो जिस मोमेंट को आपने जी लिया वो मोमेंट में उतने मोमेंट में आपकी डेथ मतलब व्यक्ति की डेथ भी हो चुकी है। तो वो एक सिद्धांत है, एक फिलोसॉफिकल व्यू है कि डेथ का प्रारंभ कोई लास्ट मोमेंट में नहीं होता है, वो तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, उसकी शुरुआत के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए तो हमारे बीच डॉक्टर बीच हाँ समझिए, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, किसी को कुछ कहना है तो बताइए। हमारे बीच डॉक्टर बिपिन जी है, तो क्या उनसे हमें कुछ इस बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर बिपिन जी, मैं ये ब्रेन डेथ की तो बात कर सकता हूँ, बिकॉज यू नो व्हेन वी डिक्लेयर द पर्सन हैविंग अ ब्रेन डेथ, दैट मींस द ब्रेन इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल हार्ट एंड लंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड दैट्स व्हाई यू नो दैट पर्सन इज 100% गोइंग टू डाई, एंड वी कैन कीप हिम ऑन वेंटिलेटर फॉर मैक्सिमम 72 hours टू 96 hours, एंड देन वी विथड्रॉ द वेंटिलेशन। सो डेथ टू अस इज डेफिनेटली brain death and cessation of the heart and the cessation of the respiratory system, but that doesn't match with our Jain philosophical thought at all. So main iske bare mein zyada nahi keh paunga from the point of view of Jain philosophy. Thank you, Vipin. Khali hum brain death dekho, pehle to koi brain death jaisa shabd tha hi nahi, लेकिन अभी हमने ब्रेन डेथ के लिए जो हमारे पास पैरामीटर्स है टू डिक्लेयर दैट द पर्सन हैज अ ब्रेन डेथ सो दैट द ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांट, आइडिया ऑफ डिक्लेयरिंग अ ब्रेन डेथ इज टू यूज द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर्पस, अदरवाइज पहले तो ये कॉन्सेप्ट आई नहीं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट वी नेवर हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन डेथ, वी ऑलवेज हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ओनली। तो सर ये आपने जब ब्रेन होता है देन एट दैट टाइम the other organs are still alive, that is what you are telling. Yes, for some time they would remain alive, not for a longer time. Maximum they remain alive. If you put them on a ventilator, that also we don't put more than 72 hours. And then we know that there is no chance of revival of this other organs function when the brain is dead. So yeah. that 72 hours is very vital for us. Suppose I said that person has a brain death, then I must do an organ transplant within 72 hours. Otherwise, those organs also will not be useful to us. Bhandari sir, आपको ध्यान होगा डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी साहब के साथ में हमने प्रश्न चर्चा के दौरान मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जो जिज्ञासा की थी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस व्यक्ति के आत्मप्रदेश दूसरे व्यक्ति के आत्मप्रदेश में मर्ज होते हैं, क्या होता है उसका? नहीं, मेरे मल जी मेरा मानना है कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो पुद्गल टू पुद्गल है, आत्म प्रदेश से कोई रिलेशन नहीं है। जबी भी मैंने एक व्यक्ति का मैंने हार्ट निकाल दिया तो उस व्यक्ति के हार्ट के अंदर जो व्यक्ति के आत्म प्रदेश है वो नहीं रहेंगे। आई एम ओनली ट्रांसफरिंग द पुद्गल पुद्गल एक पुद्गल ट्रांसफर हाँ
वो पुद्गल जब भी दूसरे पुद्गल दूसरे शरीर के अंदर जाता है तो उसके आत्म प्रदेश उसमें विकसित होते हैं या तो एंटर होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपने को यही समझना है कि आप जैसे कोई एक मशीन का पुर्जा निकाल करके दूसरे मशीन में फुट कर देते हैं, जब कभी कोई एक मशीन खराब हो गई उसका जो पुर्जे अच्छे हैं आप दूसरी अच्छी मशीन में डाल करके उसको यूज करते हैं, वैसे ये बॉडी के पार्ट्स हैं। बॉडी तो आखिर मटेरियल है ना, सो ये जीव के योग से चल रही है, तो जिसके साथ कनेक्ट होती है उसके साथ वो फंक्शन करने लग जाती है। वो भी टाइम भी तो पूरे शरीर में फैले हुए हैं, आत्म प्रदेश तो पूरे शरीर में फैले हुए हैं, पूरे हर एक अंग में है। ऐसा होता है ना कि जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ अगर कट गया या कोई अंगुली भी कट गई, तो उसमें आत्म प्रदेश तो थे ही, परंतु वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर के मूल बॉडी में आ जाते हैं, उस पार्ट से निकल करके बॉडी में मूल बॉडी मेन बॉडी में आ जाते हैं, तो वो पार्ट डेड हो जाता है। अगर उसको टाइम वो जब अलाइव है, अलाइव होने का मतलब ये नहीं कि उसमें लाइफ है, अलाइव का मतलब है कि वो फंक्शनल है अभी, तो उसी बीच में आप उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किसी में फिट कर देते हैं, तो वो वर्क कर लेगा, उसको वहां से सोर्स मिल जाएगा ना, एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो फंक्शन कर सके, तो कनेक्शन उसका किसी और बॉडी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मानना ऐसा है कि जैसे हार्ट को हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निकालने, सो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू अस इज ओनली 45 मिनट्स, और नहीं तो उसको फ्रीज करके रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है। तो ये जो 45 मिनट्स का मतलब ऐसा है कि जो रीऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू इज पॉसिबल ओनली विद इन दैट 45 मिनट्स, उसके बाद रीऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई दैट हार्ट आल्सो विल नॉट बी यूजफुल इफ यू आर ट्रांसप्लांटिंग इट आफ्टर फ्यू डेज, एंड दैट्स व्हाई यू नो दैट्स व्हाई दिस ब्रेन डेथ कॉन्सेप्ट हैज कम to have the maximum advantages of the organ transplant. और जैनिज्म की दृष्टि से देखा जाए, सॉरी मैं ये और इसको एनहेंस करने के लिए हम जब तक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह जहां ट्रांसप्लांट होने वाला है वहां रिफर करते हैं, तो वी कंटिन्यूअसली यूज द वेंटिलेटर सो दैट द ऑक्सीजनेशन इज कंटिन्यूअस टिल वी रीच विद द पेशेंट रीचेस टू द अदर हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में जब भी हम हार्ट निकालते हैं एक व्यक्ति का और दूसरी तरफ इतना दैट टाइम व्हिच इज गिवन टू अस इज अबाउट 45 मिनट्स टू रीकनेक्ट द वन हार्ट टू द वन पेशेंट टू द अदर पेशेंट, दैट मच फास्ट वी हैव टू डू। पर सर दूसरे ऑर्गन्स के लिए जैसे अंगुली कट गई वो ज्यादा समय तक रह करके उसको जोड़ा जा सकता है? हाँ जी, देखिए अंगुली में ऐसा होता है, yes it depends on it depends from organ to organ, organ to organ, yes sir, yes yes, thank you sir, thank you, kategyos mein bahut bahut dhanyawad Bipin ji। वो आज का आज प्रेजेंटेशन में क्या वो थोड़ा ऑटोमेटेड होने से ना कुछ कुछ उसमें चेंजेस हो गया, वो अपने आप चेंज हो गया, सो एनीहाउ आई कुडंट, बहुत अच्छा रहा, फिर भी बहुत अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। नहीं वो जिस ऑर्डर में मैंने बनाया था ना वो चेंज हो गया बाय मिस्टेक, और कुछ ऑटोमेटेड है ये, थोड़ा फॉर्मेट मैंने लिया तो उसमें वो रीशफल नहीं हो पाया पूरी तरह से, तो एनीहाउ मैंने थोड़ी बहुत बातें उसके माध्यम से कहे तो, बट स्लाइड्स थोड़ी गड़बड़ थी, सो आई विल रिप्लेस इट। अच्छा समनी जी एक मिनट और लूंगा मैं आपका। ओके एक इसरो में एक साइंटिस्ट है हमारे, मतलब एक साउथ इंडियन, वो आपको मतलब वो रियल केस बता रहा हूँ मैं, मतलब तो उसका नाम रामचंद्र है, मतलब और वो कर्नाटका के थे, मतलब अभी नहीं है, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, मतलब वर्ल्ड के माने हुए, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और लिखे थे, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि उनके जो बच्चे हैं, उनके दो सिस्टर थी या उनका लड़का था या उनकी डेथ कब होगी ये भी लिखा हुआ था, मतलब डेट वगैरह मेंशन कर दी थी, ठीक है। तो मैं उनको 30 साल से जानता हूँ और जब भी उनके घर में कोई डेथ हुई थी, उनके मदर की डेथ हुई थी, तो डेथ के बाद में उन्होंने वो देखा पत्र खोल करके, और उसमें इंस्ट्रक्शन था कि डेथ हो जाए उसके बाद नहीं खोल के देखना इसको, मतलब तो उनकी जब मदर की डेथ हुई तब उन्होंने खोल के देखी वो चिट्ठी, तो उसमें 10-1 दिन का वेरिएशन था उनकी डेथ का, मतलब उनकी मदर की डेथ का। अब उनकी खुद की डेथ हो गई अभी, मतलब ये कोविड के अंदर,
ठीक है, तो उसमें उनके लड़का जो है वो संतोष नाम है उसका, उसको मैंने पूछा अभी हम मिलने गए थे तब, तो उसने कहा कि तुम्हारे ऐसी स्टोरी है तुमने खोल के देखा क्या, बोले हमने नहीं देखा लेकिन हमारे एक अंकल है उन्होंने खोल के देखा, मतलब तो उसमें मतलब वो लिखा हुआ था, मतलब आश्चर्य की बात है कि उनकी एक्चुअल डेथ जो लिखी हुई थी वो 2029 की थी मतलब, लेकिन दिसंबर 2020 के आगे उन्होंने एक इंटरोगेटिव साइन लगा रखा था मतलब। तो ये क्या है कि मतलब ये जो अपन कहते हैं आयुष कर्म होता है, ये मेरे को लगता है कि डायरेक्ट इविडेंस है जो एस्ट्रोलॉजी से निकल के आता है, मतलब साफ अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो। तो ये मतलब इविडेंस है, इनडायरेक्ट इविडेंस है मतलब। एस्ट्रोलॉजी से निकल के कैसे आता है? एस्ट्रोलॉजी से उन्होंने फोरकास्ट कर दिया ना कि इनकी डेथ इस समय होगी मतलब। वो तो देखिए पता तो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति से आप ग्रह, मैं तो कहती ज्योतिषी क्या है, ज्योतिषी के द्वारा आप इन ग्रहों की जो पोजीशन है उसके आधार पर आप अपने जो प्रीडेस्टाइन जितने भी चीजें हैं उनको पता चला सकते हो, प्रीडेस्टाइन, क्योंकि आयुष्य भी प्रीडेस्टाइन होता है, ठीक है ना, वो पास्ट कर्म की इस जन्म